आज है गाइस संडे। संडे के दिन आप लोग घर में जबरदस्त मौज कर रहे होंगे, लेकिन ये है हमारा संडे क्यू एंड ए वीडियो। आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे उसी क्वेश्चंस का मैं आंसर जो है देने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं और हमारे पास टाइम जो है कम होता है। अगर आपको नेक्स्ट क्यू एन ए के लिए कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ डाउट है, तो इसी वीडियो के नीचे #ApplExplain करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मालूम है तेरे बाप को। ऑलराइट गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे अपन कल्पेश। कल्पेश भाई, आप मेरे घर के पास रहते हो, आप ही हो क्या? मजाक कर रहा हूं। देखिए भाई पूछ रहे हैं कि iPhone 13 और iPhone 12 का जो रिफ्रेश रेट है वो सेम है क्या, और साथ ही साथ इनको iPhone 13 128GB लेना चाहिए या जो है iPhone 12 128GB। देखिए कल्पेश भाई, दोनों का जो प्राइस गैप है 9000 का प्राइस गैप है। कैसे? iPhone 12 128GB 65,000 रुपीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अक्टूबर के अंदर, और iPhone 13 आपको 74,000 रुपीज में मिलेगा। अब ये मत पूछना कि 74 में कैसे मिलेगा, HDFC का कार्ड जो है हर साल आता है, 6,000 रुपीज कैशबैक मिलकर आपको जो है 74 में iPhone 13 128GB जो है मिल जाएगा। अगर आपको कैमरा से ज्यादा काम है, क्योंकि कैमरे में जो है मेजर अपडेट्स किए iPhone 13 के, सिनेमैटिक मोड, सेंसर शिफ्ट जो है OS आपको मिलता है, साथ ही साथ जो है बैटरी थोड़ी सी बड़ी मिलती है। अगर आप 9000 पे एक्स्ट्रा दे सकते हैं वो आपके लिए वर्थ रहेंगे। अगर आपको कैमरा इंपॉर्टेंट है, कैमरा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, तो iPhone 12 128GB के लिए आप जाना। और जो लोग 64GB परचेस करें वो तो बिल्कुल भी जो है iPhone 13 के दर मत जाना, क्योंकि 55K से जो है 60,000 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं iPhone 12 64GB का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन गणेश का। भाई बोल रहे हैं इनका बजट जो है 40,000 रुपीज है, क्या इनको iPhone XR 128GB ले लेना चाहिए या जो है iPhone 11 64GB ले लेना चाहिए? सबसे पहली बात देखें, मेरे हिसाब से आपको iPhone 11 के लिए जाना चाहिए। अगर आपको स्टोरेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाली है, 64GB इनफ होता है या 128GB इनफ होता है, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा 128GB के लिए जाना। देखिए गणेश भाई, 2,000 रुपये 3,000 रुपये एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं तो iPhone 11 128GB के लिए जाना, लेकिन कुछ लोग के जो है 64GB इनफ होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, आप सबको मैंने बताया है। iPhone XR और iPhone 11 जो है मेरे को ऑप्शन था उस टाइम पे, iPhone XR 128GB 40,000 का मिल रहा था और iPhone 11 जो है 47,000 रुपीज़ का मिल रहा था। तो उस टाइम पे मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैं जो है 128GB वेरिएंट के ले गया, लेकिन मैं गलती कर दिया था। ये मेरी प्रॉब्लम ये नहीं कि परफॉर्मेंस का, मैं कैमरा का, मैं डिस्प्ले का वो नहीं है, लेकिन लुक आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक कैमरा है iPhone 12 में जो है, iPhone 11 में दो कैमरे आते हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, बिल्ड क्वालिटी वही है, डिज़ाइन वही है, सब वही है, लेकिन एक कैमरा एक्स्ट्रा होने से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, एक कैमरा एक्स्ट्रा होने की वजह से जो है देखने में पकड़ने में। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ऑलराइट गाइस, अगला क्वेश्चन लेंगे अपन दानिश का। भाई बोल रहे हैं कि एयरपॉड्स फ्री क्या इनको iPhone 12 के साथ मिल सकते हैं दिवाली के अंदर, ये जो ऑफर है ऑफलाइन भी चलेगा क्या? तो ऑफलाइन नहीं चलेगा, लास्ट ईयर 11 के साथ में आया था आपको, फ्लिपकार्ट और अमेजोन और एप्पल के ऑफिशियल स्टोर पे देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एप्पल के ऑफिशियल स्टोर पे लेना फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे प्राइस जो है 66,000 ही रहेगा, तो ये ध्यान रख लेना। और अमेजोन भी आपको 60,000 तक मिल सकता है, 6,000 और आपके बच जाएंगे, साथ ही साथ जो है अमेजोन वाला आपके लिए ऑफर भी लाएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अमेजोन से परचेस करें, रही बात ऑफलाइन में रहेगा नहीं, ऑफलाइन में तो ये चीज जो है पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन दक्ष चौधरी का। भाई बोल रहे हैं कि iPhone 12 64GB मैंने बताया था 60,000 रुपीज में, और 128GB जो है 65,000 रुपीज में आपको जो है ऑनलाइन में मिल जाएगा फ्लिपकार्ट द बिग बिलियन डे सेल के अंदर। अभी ऑफलाइन के अंदर iPhone 12 128GB 71,000 रुपीज का है, आफ्टर कार्ड डिस्काउंट इनको 65,000 रुपीज में मिल रहा है, और HDFC के कार्ड की आई थिंक। तो क्या इनको ऑफलाइन लेना चाहिए या ऑनलाइन लेना चाहिए? सबसे पहली बात, ऑफलाइन में आपको जो है कार्ड डिस्काउंट अभी मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, और 5,000 तो नहीं मिलेगा, 71,000 आप वहां पे बता रहे हो, ज्यादा से ज्यादा मैक्स आपको 68,000 रुपीज में वो देंगे, 2-3 हज़ार का जो है कैशबैक या दोस्तों ऑफर हो सकता है, 5,000 का तो ऑफर मेरे ख्याल से नहीं होगा। एक बार आप जो है ट्राई करना आपके ऑफलाइन स्टोर पे जाके, और मुझे भी कमेंट करके जरूर बताना। मेरे हिसाब से आपको ऑफलाइन 65,000 रुपीज में नहीं मिलेगा, कम से कम आपको 70,000 रुपीज जो है देना पड़ेगा। आप देखिए अगर आपको मिल रहा है 65,000 रुपीज, डेफिनेटली आप ऑफलाइन जो है ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों नपस्टेर का। भाई अगर आपका नाम गलत पड़ रहा हो तो सॉरी। भाई बोल रहे हैं कि बिग बिलियन डे सेल के अंदर iPhone 13 के साथ में क्या फ्री एयरपॉड्स मिल सकते हैं?
तो देखिए गाइस, मेरे हिसाब से ये चीज एप्पल अभी नहीं करेगा, क्योंकि इससे दोस्तों बाकी सेल्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर ऐसा ऑफर आएगा जिस तरीके से आईफोन 11 पे आया था, और इस साल आपको आईफोन 12 के साथ में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपन वत्साल पटेल का भाई बोल रहे हैं कि आईफोन 13 और 13 प्रो कंसिडरिंग गेमिंग यूसेज ऑफ सोशल मीडिया। तो मेरे ख्याल से आपको गेमिंग आप ज्यादा करते हैं तो 13 प्रो के लिए जाना चाहिए, क्योंकि 120Hz उसमें आता है भाई, और काफी ज्यादा आपको जो है नेक्स्ट लेवल की गेमिंग एक्सपीरियंस देगा। ऐसा नहीं कि आईफोन 13 में खराब आएगा, उसमें भी जबरदस्त चलेगा, लेकिन रिफ्रेश रेट ज्यादा होने की वजह से थोड़ा आपको जो है गेमिंग में और ज्यादा मजा आएगा। देखिए, मैं आपको जो है फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि 13 प्रो ही आप ले, आपके पास पैसे है, पैसे की कमी नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं देन ही आप जाना, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका 80,000 का बजट ही है, उससे आगे आप नहीं जा सकते, तो मत जाना लोन वगैरह के चक्कर में, बिल्कुल भी मत जाना। आपकी जो है पैसा के हिसाब से आप डिसाइड करना। मेरा जो ये ऑप्शन है 13 भी जबरदस्त होगी, 13 प्रो में भी जो है जबरदस्त होगी, थोड़ा ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको 13 प्रो में देखने के लिए मिलेगा, बाकी आपकी जो है मर्जी। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन हर्षवर्धन का। भाई बोल रहे हैं कि कौन सा जो है बेस्ट रहेगा बैटरी के मामले में आईफोन 12 और 13 मिनी। तो मेरे हिसाब से आईफोन 12 की ही बैटरी आपको ज्यादा देखने की मिलेगी। एप्पल ने तो मेंशन किया है कि 1.5 घंटा जो है ज्यादा है कंपेयर टू आईफोन 12 मिनी, लेकिन आईफोन 12 की जो बैटरी है वो मेरे हिसाब से आईफोन 13 मिनी से बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों अपन जितन परमार का। भाई बोल रहे हैं कि अभी जो आईफोन 13 आया उसके अंदर जो है फिजिकली दो सिम लगा सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, एक फिजिकल सिम आप लगा सकते हैं और एक जो है ई सिम आप जो है लगा सकते हैं। ऐसा अगर देखा तो काफी अच्छी बात होगी, लेकिन जो बाहर हांगकांग मॉडल्स होते हैं उसके अंदर जो है डुअल सिम का ऑप्शन देता है, जैसे हम फिजिकल सिम जैसे निकाल के लगाते हैं वैसा कर सकते हैं। अगर आपको हांगकांग जो है वर्जन बाय करना तो वो भी जो है बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों अपन इंटरनेशनल बैकपैकर का। भाई बोल रहे हैं कि आईफोन 12 45,000 तक जो है मिल जाएगा क्या बिग बिलियन डे सेल के अंदर? भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 45,000 रुपीस में आईफोन 11 आ जाए 128GB, आईफोन 12 की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 55,000 से लेके 60,000 रुपीस होने वाली है, और आपके नाम से मेरे को लग रहा है कि आप जो है बाहर से ऐसे जुगाड़ कर सकते हैं इंटरनेशनल बैकपैकर। तो मेरे ख्याल से आप बाहर से लेंगे तो ये प्राइस आपको पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों अपन रोहित कुमार का। भाई बोल रहे हैं कि फ्री एयरपॉड्स क्या इनको आईफोन 11 128GB वेरिएंट के साथ मिल सकते हैं क्या? देखिए, काफी सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि बिग बिलियन डे सेल के अंदर क्या आईफोन 11 के साथ में या आईफोन 10R के साथ में हमको जो है फ्री एयरपॉड्स मिलेंगे या नहीं। देखिए, लास्ट ईयर 11 के साथ आया था, तो इस बार जो है 12 के साथ ही आएगा। मुझे नहीं लगता कि 11 के साथ हमको फ्री एयरपॉड्स मिलेंगे, ऐसा होगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है भसड़ मच जाएगी और जो प्राइस ड्रॉप होगा 40,000 रुपये में लोग जो है टूट पड़ेंगे आईफोन 11 साथ के साथ, क्योंकि एयरपॉड्स 2 का प्राइस जो है तकरीबन 12-13-14,000 के आसपास है, तो इतना जो है मुझे नहीं लगता कि देगा। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि 12 के साथ जो है दे सकता है, काफ़ी ज़्यादा जो है चांसेस है। और इसी से रिलेटेड एयरपॉड्स से रिलेटेड जो है कल जो है वीडियो आने वाली है, तो वेट करो, जरूर करना दिवाली की सेल का भी और बिग बिलियन डे सेल के भी। समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पे जो है कल वीडियो बनाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन लेंगे अपन इमरान खान का। भाई बोल रहे हैं कि हैदराबाद में सेकेंड हैंड आईफोन कहाँ है, कहाँ मिलते हैं इनका मतलब? तो देखिए, यहाँ पे हैदराबाद में जगदीश मार्केट आप सबको मालूम होगी, और आप सबको मालूम है हैदराबाद में ही रहता हूँ। तो देखिए, मैं तो अभी तक जो है वहाँ से परचेस नहीं करा, गया वहाँ पे काफ़ी सारे बार, लेकिन आईफोन वहाँ पे मैं परचेस नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को नॉलेज नहीं थी। अभी मैं जाऊँगा, देख के जो है आराम से परचेस कर लूँगा कि हाँ ये फ़ोन लेने लायक है नहीं लेने लायक है। जिसको पहचानना आता है वो जाके जगदीश मार्केट, आप सबको मालूम ही होगी जो लोग हैदराबाद में रहते, आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों अपन अमित कुमार का। भाई बोल रहे हैं कि आईफोन 12 के लिए बेस्ट जो है टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर जो है सजेस्ट करा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कोई प्रमोशन वाली वीडियो के ऊपर मत बताना, जेन्युइन बताना। तो देखिए, मैं जो है आईफोन 13 जब लूंगा, 13 प्रो जब लूंगा, उस टाइम पे मैं कवर्स मंगाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको जल्दी है तो एक बेस्ट कंपनी है जो इससे पहले भी मैं यूज कर चुका हूँ उसका टेम्पर्ड ग्लास, जो कि काफी जबरदस्त आता है, उसके कवर्स भी है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाके आप वहां से परचेस कर सकते हैं। स्पिगन कंपनी के आते हैं, आपने देखे होंगे, चाहे तो आप YouTube पे सर्च करके भी देख सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी होती है उसकी टेम्पर्ड ग्लास की और बैक कवर की। चाहे तो मेरे लिंक से आप परचेस कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट Amazon पे जाके स्पिगन सर्च कीजिए, वहां पे आपको जो है मिल जाएंगे।
तो गाइस बस इतना ही क्वेश्चंस तो जिसके भी क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया फिर से एक बार सॉरी, आपको कमेंट के जरिए जो है जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। कल के वीडियो का जरूर वेट करना, काफी इंटरेस्टिंग जो है कल वीडियो आने वाली है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, 10,000 सब्सक्राइबर जो है जल्दी हमको कंप्लीट करने। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट संडे क्यू एन ए वीडियो के लिए कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के नीचे #ApplExplain करके अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कुछ भी क्वेश्चन है डीएम कर सकते हो, वहां पे कुछ पर्सनल क्वेश्चन है आईडी जो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।